वेलकम टू एजुकेशन राइस। आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस भाग दो का जो चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना क्लास 12 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है 10 सूत्री कार्यक्रम कब और क्यों लागू किया गया। तो 10 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी द्वारा 1967 में कांग्रेस की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए लागू किया गया था। दूसरा प्रश्न है गठबंधन की राजनीति क्या है। इसका उत्तर लिखना है कि गठबंधन की राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव से पहले अथवा चुनाव के बाद जैसी भी परिस्थितियां बनती हैं एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर आपस में मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं, उसे गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है चौथे आम चुनाव कब संपन्न हुए। तो इसका उत्तर लिखना है कि जो चौथे आम चुनाव थे वो 1967 में संपन्न हुए थे। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हमारे सभी वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के संक्षिप्त कार्यकाल में देश ने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियों का सामना किया। तो जब 1964 में शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने उस समय इनके संक्षिप्त कार्यकाल में देश में अनेक चुनौतियां उत्पन्न हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी दो चुनौतियां ये थी कि एक तो वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ा था और इससे देश में खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया था, और इसी दौरान 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर जो है पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो गया था। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी इस दौरान घटित हुई, और इसी जो 1965 का युद्ध हुआ था इसके बाद 1966 में जो ताशकंद का समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा था वहीं पर ताशकंद के समझौते के दौरान जो कि पूर्व सोवियत संघ का एक स्थान था वहां पर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। पांचवा प्रश्न है वे कौन से चार राज्य थे जहां 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी। तो 1967 के चुनाव में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य थे जहां 1967 के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, सिंडिकेट क्या था। तो सिंडिकेट जो है ये कांग्रेस पार्टी के भीतर कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था और इनको औपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। प्रारंभ में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इस सिंडिकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें आशा थी कि इंदिरा गांधी को कोई अनुभव नहीं है इसलिए हमसे सलाह लेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए इंदिरा गांधी और ये सिंडिकेट दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी बन गए। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है पहले तीन आम चुनावों के संदर्भ में कांग्रेस प्रणाली का क्या अर्थ है। तो पहले जो तीन चुनाव हुए थे, पहला आम चुनाव 1952, दूसरा 1957 और तीसरा आम चुनाव 1962 और चौथा हुआ था 1967 में। तो ये जो पहले तीन चुनाव हुए थे इन चुनावों में मतदाताओं ने बहुत अधिक बहुमत के साथ केंद्र में कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी। चुनाव में एक दलीय प्रभुत्व ही बना रहा था, इस परिदृश्य को कांग्रेस प्रणाली कहा गया है। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, 1960 के दशक को किन कारणों से भारतीय राजनीति में खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 1960 का दशक था इस समय काफ़ी गरीबी थी, असमानता थी, सांप्रदायिकता भड़की थी और क्षेत्रीय विभाजन हुआ था, साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी जो है वो हुआ था, 1965 का युद्ध हुआ था और खाद्यान्न संकट पैदा हो गया था। तो ये सारे कारण थे, इस वजह से 1960 के दशक को खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में किस समय को खतरनाक दशक कहा जाता है। तो भारतीय राजनीति में 1960 का दशक खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है, और क्यों जाना जाता है इसका कारण हमने जान लिया पिछले वाले प्रश्न में, ये सारे कारण थे खतरनाक दशक होने के। नेक्स्ट है दसवां प्रश्न, 1967 के आम चुनाव में 1967 में जो चौथा आम चुनाव हुआ था इसमें कांग्रेस पार्टी के किन्हीं दो प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अनेक दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा था। इसमें तमिलनाडु के एस के कामटा और महाराष्ट्र के पाटिल जैसे नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था, इनकी हार हुई थी।
नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार कौन था? 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी। और एक्चुअली उस समय ये हुआ ये था कि जो सिंडिकेट थी, सिंडिकेट ने इन्हें नीलम संजीव रेड्डी को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी जो कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार थे उनको समर्थन दिया था और अपने अपने प्रभाव के का इस्तेमाल करके उन्होंने वीवी गिरी को जीता दिया था और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी ये हार गए थे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, प्रीवी पर्स से क्या तात्पर्य है? आपको पता होगा श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स की जो सुविधा थी वो समाप्त कर दी थी। तो ये जो सुविधा थी ये भूतपूर्व देसी राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष भत्ते आदि को प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता था। तो उनको जो ये विशेष भत्ते दिए जाते थे आज़ादी के दौरान या देश के एकीकरण के समय उनको ये सुविधा दी गई थी, इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, डीएमके का पूर्ण रूप लिखिए, डीएमके का क्या तात्पर्य है? तो डीएमके का की फुल फॉर्म या इसका पूरा नाम है द्रविड़ मुनेद्र कड़गम। ठीक है, द्रविड़ मुनेद्र कड़गम डीएमके। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार कौन था और उस चुनाव का क्या परिणाम निकला? तो 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार थे वीवी गिरी और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी और इस चुनाव में वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति बने थे और कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी थे नीलम संजीव रेड्डी वो हार गए थे। 15वां प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद से क्या आशय है? तो कांग्रेस को सत्ता से अलग करने के लिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत की गई विचारधारा को गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना जाता है। 16वां प्रश्न है, लोक लुभावन राजनीति के अंतर्गत दिए गए किसी एक आश्वासन का उल्लेख कीजिए। तो लोक लुभावन राजनीति के अंतर्गत दिया गया एक आश्वासन था इंदिरा हटाओ देश बचाओ। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी को अपनी ही पार्टी के भीतर किस ताकतवर समूह से निपटना पड़ा? इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से निपटना पड़ा और जो कांग्रेस के भीतर ही ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था इससे इन्हें जो है वो निपटना पड़ा था। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, वीवी गिरी कौन से वर्षों में राष्ट्रपति रहे? वीवी गिरी 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। एंड नेक्स्ट और लास्ट अंतिम प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया कौन थे? राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता एवं विचारक थे, 1963 से 1967 तक लोकसभा के सदस्य रहे थे। तो ये था महत्वपूर्ण वीडियो हमने पॉलिटिकल साइंस का और इसी तरीके से प्रत्येक चैप्टर के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।